हेलो दोस्तों, आज हम VLDC मोटर का कनेक्शन करेंगे। हमारे पास 48 वोल्ट 1200 वोल्ट का VLDC मोटर है, जो कि वही ई रिक्शा का है। 3000 उसका RPM है और ये उसका कंट्रोलर है। और ये हमारा बैटरी है, ये प्लस माइनस हमने कर लिया सीरीज में। ये उसका MCB है। MCB लगाने के लिए जो प्लस माइनस इधर आता है बैटरी का, वो हम लाइन में दे देंगे। MCB का जो होता है लाइन होता है उसमें, और जो लोड होता है वो हमारा जो जंक्शन बॉक्स में से निकलता है प्लस माइनस वायर, ये और ये, वो हम डायरेक्ट लोड में लगा देते हैं। और ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच है, बराबर है। और इसमें जो देखो कनेक्शन कैसे करने का है, ग्रीन कॉमन लेने का है और बाकी दोनों येलो और ब्लू इंटरचेंज करना है। येलो के साथ ब्लू और ब्लू के साथ येलो, ग्रीन कॉमन। और फेस वायर जो आता है उसमें भी ऐसा ही करने का है। जो ग्रीन हमारा होता है वो ग्रीन के साथ आता है मोटर का, और बाकी दोनों वायर आता है वो इंटरचेंज आता है, ब्लू के साथ येलो और येलो के साथ ब्लू। और देखते हैं हम चालू होता है या नहीं होता है। VMCB हमारा वो नहीं है। वे देखो ये मोटर को हम घुमा रहे हैं, ये इसका टोटल का है। लेकिन ये VLDC में दिक्कत क्या है कि अभी ये रिवर्स में फुल स्पीड दे रहा है और फॉरवर्ड में कम स्पीड दे रहा है अभी, क्योंकि किसी अभी नया अपडेट आ गया है रिक्शों में। डिफरेंशियल होता है वो राइट साइड आता है, तो अभी ये नया मॉडल है इसलिए ये रिवर्स में अभी देखो ये क्लॉकवाइज में ज़्यादा नहीं घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा घूम रहा है। देखो अभी इसका में हम घुमाते हैं, देखो ये क्लॉकवाइज की स्पीड हम चालू करते हैं। देखो ये मे बी 500 RPM होगा, ये फॉरवर्ड की स्पीड है। देखो देख रहे हो आप, अभी हम मोटर को घुमा कर करेंगे तो रिवर्स में आ जाएगा। देखो ये ठीक है, तो अभी डिफरेंशियल हमारा कौन से साइड है वो चेक करके हमको मोटर लेना चाहिए। कौन अभी देखो ये हमको मोटर जब भी हम सिलेक्ट करते हैं वो डिफरेंशियल देख के चेक करना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट में किस साइड हमको डिफरेंशियल है, उस साइड से हम कर सकते हैं। अभी देखो ये आपने फॉरवर्ड का स्पीड तो देखा, देखो फिर से मैं घुमा रहा हूँ। फॉरवर्ड का स्पीड बहुत कम आता है। कभी अभी क्या बोलते हैं, कोई मोटर ऐसा आया आ गया अभी नया, उसमें बथ साइड बायलेटरल स्पीड सेम ही होता है, इसमें ऐसा नहीं है, हाफ स्पीड आता है फॉरवर्ड में। अभी देखते हैं हम उसका करते हैं रिवर्स। देखो ये रिवर्स का स्पीड आप देखोगे तो पूरा 3000 RPM आएगा। देखो ये रिवर्स चल रहा है और फुल RPM आता है। अभी इसको हम ऐसे घुमा देंगे ना तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, फॉरवर्ड स्पीड हो जाएगा। ये क्या चल रहा है,
देखो ये थोड़ा वायर उसका आ गया, देखो अभी हम करते हैं, अभी हमको डिफरेंशियल में सेट करना हो ये मोटर, तो इस साइड से हम सेट करेंगे तो ये हमको पूरा स्पीड मिलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अभी नया पुराना डिफरेंशियल होता है, इस साइड मोटर लगती है देखो, तो ये रिवर्स स्पीड हो जाता है। अभी मेरी ई रिक्शो में यही दिक्कत आ रहा है, मेरा डिफरेंशियल इस टाइप से सेट होता है तो मेरे को रिवर्स में स्पीड मिल रहा है, फॉरवर्ड में नहीं मिल रहा है ज़्यादा स्पीड। तो आप भी जो भी सिलेक्ट करो मोटर तो डिफरेंशियल चेक करके सिलेक्ट करना। देखो ये वाई पोल का मोटर है, और आपको कोई क्वेरी हो कनेक्शन के बारे में तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। बाकी सब इतनी इसमें कोई ज़्यादा नहीं होता है, इसमें कनेक्शन ऐसे ही हम में भी कर सकते हैं, यहाँ का वायर यहाँ का वायर यहाँ, सिर्फ ये दोनों को नहीं करना है। सपोज़ ये लो प्लस माइनस आप करते हो तो ये सिर्फ चालू नहीं होगा एलईडी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि वायर ऐसे ऐसे करने से हमारा मोटर कंट्रोलर शॉर्ट हो जाएगा। मोटर आपको वार्निंग दे देगा कैसे घूम रहा है, देखो ये कैसे साइलेंटली घूम रहा है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, ये नॉर्मल स्पीड ही आ रहा है बस। तो ये कनेक्शन हमारा प्रॉपर है, बाकी इसमें हम क्लॉकवाइज रिवर्स फॉरवर्ड का स्पीड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटर साले कंपनी वाले ने गलत बनाया है। ये मैंने जो लिया है अग्रवाल कंपनी से लिया है, ये थर्ड क्लास कंपनी है, भी आप यहाँ से नहीं परचेस करना, आपको करना हो परचेस तो ये सीवाई इंटरनेशनल है वहाँ से ही कर लेना, या अमेजोन में तो ये अग्रवाल ही वाला ही है, वहाँ से मत परचेस करना। बाकी बताओ आप सबको कोई क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो मेरे को बता देना।